हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो पच्चे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है मेरठ बाईपास। आप सभी को बता दूं कि ये जो फ्लाईओवर चमक रहा है दोस्तों, इसके बगल से ये RRTS की लाइन जा रही है, ये देख सकते हो, जो कि दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होती है और ये मेरठ के मोदीपुरम तक जाती है। दोस्तों आज मैं इसी पर आप लोगों को काम दिखाने वाला है। मेरठ बाईपास से लेकर और टैंक चौराहे तक का व्यू देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहो केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ और बताऊँ के बीच का ये मीडियन है, ये बिल्कुल बना के कंप्लीट कर दिया जा चुका है। अब इसमें मिट्टी डाल के और प्लांटेशन कर दी जाएगी। अब कर लेते हैं ऊपर की बात, तो ऊपर तो बायोडक्ट बिल्कुल जुड़ के कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर ट्रैक स्लैब बिछाए जा रहे हैं, उसके बाद में इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा। ट्रैक बिछ जाने के बाद में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की इस पर खंभे लगाए जाएंगे, फिर उस पर लाइन बिछाई जाएगी, ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा। तो यही काम अभी बचा हुआ है और ये आ जाता है दोस्तों दौरली RRTS के स्टेशन, जिस पर कि मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी, RRTS की ट्रेन नहीं रुकेगी। तो इसमें काम जिस पे कि दोस्तों देख सकते हो ये साइडों से गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और इस पर फ्लोर वर्क की तैयारी चल रही है इस पर। और यह है दौरली RRTS के स्टेशन जिस पर मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों। तो देख सकते हो अभी इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का भी काम चला और देखो एक्सीलेटर ये आ चुके हैं, ये भी लगाए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म लेवल पे, मतलब कौन कौन से लेवल से प्लेटफॉर्म लेवल पे लगाए जा रहे हैं और इस पर यही काम चल रहा है दौरली RRTS के स्टेशन पर। एक साइड का तो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है दोस्तों। अब चलते हैं आगे वाले पर, आगे वाला देखेंगे चल के कि किस तरीके से काम चल रहा है। बायोडक्ट पर बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। इस पर अभी वर्क चल ही रहा है तेज़ी के साथ में, क्योंकि ये सन 2025 में ये ऑपरेशनल करनी है आम जनता के बीच में, जिस पर कि साहिबाबाद से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक ये ऑपरेशनल हो चुकी है, जिस पर कि जनता आना जाना लगा रहता है दोस्तों। टिकट भी बहुत महंगा है, तो टिकट सस्ता होना चाहिए था लेकिन टिकट बहुत महंगा है, तो वो भी आप लोगों को जब ये मेरठ तक आना जाना इसका स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोगों को केपी संत के चैनल पर इसका वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अभी तक वीडियो नहीं आया ना, ट्रेन में बैठकर देखा है, तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को जब मेरठ तक चलाई जाएगी एंड तक, तब आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, क्या क्या कहाँ पर क्या क्या है, सब कुछ वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है जाने का। और अब इंफॉर्मेशन भी मिलती रही करेगी दोस्तों आप लोगों को, इंफॉर्मेशन मैं देता रहे करूँगा RRTS रिलेटेड जो बनाई जा रही है कॉरिडोर। और अभी तो कई सारे कॉरिडोर बनाए जाने हैं, पहले ये मेरठ तक बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाए, उसके बाद में दूसरे रूट पे काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों NCRTC की जो ये क्या ये योजना है उस पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। एक तो जेवर एयरपोर्ट के लिए ही गाज़ियाबाद से जाएगी लाइन, दूसरी आप लोगों को इधर जाएगी सराय काले खां से पलवल के लिए, पलवल होते हुए ये निकल जाएगी उधर के लिए, एक जाएगी आपकी अलवर, दूसरी जाएगी पानीपत, तो कई सारी लाइनें जाएंगी ये RRTS की, तो उसका भी आप लोगों को रेगुलर अपडेट देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर। तो देख सकते हो सारा मीडियन बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें मिट्टी डालनी बाकी रह गई है। मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद में प्लांटेशन कर देंगे और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के अभी खंभे लगाए जाने हैं इस पर, और बायोडक्ट के ऊपर दोस्तों क्या ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं। ट्रैक स्लैब डालने के बाद में इस पर ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा, तो यही काम चल रहा है। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों।
और दोस्तों ये स्टेशन आ चुका है MES कॉलोनी का, जिस पर कि मेरठ मेट्रो ही रुकेगी। देख सकते हो दोनों साइड के गाटर लॉन्चिंग करके इस पर फ्लोर वर्क हो चुका है। एक साइड का दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, फाइनल शेप पे ही है। दूसरा बनाया जा रहा है राइट हैंड पे, देख सकते हो आप लोग। आगे आने वाला है दोस्तों क्या टैंक चौराहा, वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएगी ये RRTS की ट्रेन बायोडेक्ट। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को, देख सकते हो सारा ही बायोडक्ट बन के कम्प्लीट हो चुका है। फिनिशिंग का काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पे, और फिनिशिंग हो जाने के बाद में इस पर क्या इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगने हैं अभी। और जैसा कि आप लोगों को पता है 30,274 करोड़ की लागत से ये बनाई जा रही है। सन 2025 में ये ऑपरेशनल हो जाएगी आम जनता के लिए। दिल्ली के सराय काले खां से यानी कि निजामुद्दीन से स्टार्ट होगी ये, 82 किलोमीटर का रूट है और ये मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी दोस्तों, जिसमें कि 25 स्टेशन बनाए जा चुके हैं और अंडरग्राउंड जो स्टेशन है उन पर काम चल रहा है जोरों शोरों से। उसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा, कोशिश मेरी यही है। देख सकते हो यहाँ से ये नीचे होती चली जा रही है, देख सकते हो ये अंडरग्राउंड होती चली जा रही है। आगे आप लोगों को टैंक चौराहा देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहो। अभी देखो टैंक चौराहा भी देख लेना आप लोग, देखो ये आ गया एक रास्ता और ये सारा कैंट इलाका है दोस्तों मेरठ का, वो काफ़ी बड़ा कैंट है जिसमें कि क्या इस पर वो रहा करते थे, सारा उन्होंने घेर रखा था अंग्रेज़ों ने, अंग्रेजी ही इसमें रहते थे सारा भाई साहब। जितना भी कैंट इलाका है वो सारे में ही भाई साहब काफ़ी लंबा चौड़ा टैंक चौराहा है। और देखो यहाँ पर ये रेलिंग लगाई जा रही है ताकि आदमी आ जा ना सके, क्योंकि मार मूर के फेंक फाँक होना दे, धक्का ना दे दे, इसी वजह से यहाँ पर ये बनाई जा रही है। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय।